रोजाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें बहुत रोलाया किस्मत ने लेकिन अब अगले 33 सालों तक इस राशि वालों पर धन लुटाएंगे शनिदेव जी हाँ नमस्कार दोस्तों जय माता दी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बता रही हैं जिनके ऊपर भगवान शनि देव की कृपा हो रही है जी हाँ इन राशि वालों का भाग्य अगले 33 सालों तक सातवें आसमान पर रहेगा इन राशियों को अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है इनकी कुंडली में इक्यावन सालों के बाद राजयोग बन रहा है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दिनों में शनि और चंद्र की युति स्थापित हो रही है जिसकी वजह से एक दुर्लभ योग बन रहा है जो कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है राशि वालों से अब शनि देव बेहद प्रसन्न हो चुके हैं जिससे जिससे ये लोग एक नई मिसाल अपने जीवन में स्थापित करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे ये लोग अपने जीवन में दिन दुगनी, रात चौगनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे इनके जीवन में होने वाले परिवर्तन इनके लिए बेहद खास रहेंगे शिक्षा नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में इन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं किसी के बहकावे में आकर आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ना करें जो भी फैसला करें सोच समझकर अपने विवेक से कार्य करने की आपको इस समय आवश्यकता है हड़बड़बाजी में जल्दबाजी में आप कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता हो इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी किस्मत का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा आपकी इस समय लॉटरी लग सकती है समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां आने वाली हैं संतान की ओर से कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है किस्मत चमकने के कारण आपके सभी रुके हुए कार्य पुनः शुरू होने वाले हैं समाज में मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा ऑफिस के क्षेत्र में आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है व्यापार में चली आ रही परेशानी आपकी दूर होंगी आय के नए नए स्रोत स्थापित होने वाली हैं प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देती हैं कि आखिर हम वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिसके बारे में यहां पर बात कर रही हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय देव अवश्य लिख दें इसके साथ ही अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों सबसे पहली राशि है तुला राशि इन राशि वाले लोगों का आने वाला समय अति उत्तम रहेगा भगवान शनिदेव की कृपा से कार्य क्षेत्र में आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे आपको सफलता के मार्ग हासिल हो सकते हैं घरेलू जीवन में चल रही परेशानियां आपकी दूर होंगी सुख सुविधाओं में आपकी बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है सामाजिक गतिविधियों में आप इस दौरान भाग ले सकते हैं यदि आप कहीं पूंजी निवेश करते हैं तो उसका आपको भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा प्रभावशाली लोगों की मदद आपको मिल सकती है। शनिदेव की कृपा से आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी कार्यस्थल में बड़े अधिकारियों की पूरी सहायता आपको मिल सकती है स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा दोस्तों अगली राशि है मेष राशि बता दें कि आपको माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा अचानक आपको आर्थिक मुनाफा मिलने के योग इस दौरान बन रहे हैं घर परिवार के लोगों के बीच प्रेम बना रहेगा आप मानसिक रूप से काफ़ी खुश रहेंगे इन राशि वाले लोगों को शनिदेव की कृपा से विभिन्न स्रोतों से लाभ मिल सकता है आप अपनी अधूरी इच्छाओं को बहुत ही शीघ्र पूरा कर सकते हैं आप अपना निजी जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करेंगे घर परिवार में कोई उत्सव होने की संभावना बन रही है बच्चों की तरक्की से आपको गर्व और खुशी महसूस होगी आप घर के लिए कीमती चीज़ों की इस दौरान खरीदारी भी कर सकते हैं दोस्तों अगली राशि है कन्या राशि बता दें कि शनिदेव जी के आशीर्वाद से इस बार कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा किसी शुभ समाचार के आने के संयोग हैं व्यापार में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है जो लोग जीवन में नई शुरुआत या कोई नया कारोबार करना चाहते हैं वे बेझिझक कर सकती हैं समय काफ़ी शुभ है आपको सफलता ज़रूर मिलेगी आप हर कठिनाई का सामना कर सकेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आपका आने वाला जीवन सुखमय बना रहेगा दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि बता दें कि इस परिवर्तन से मिथुन राशि के लोगों के जीवन में शुभ समय आएगा इस दौरान दोस्तों और करीबियों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा चंद्रमा का कुंडली के पांचवें भाव में जाने से इस राशि के लोगों को अचानक से धन का लाभ हो सकता है इस राशि के लोगों को आस के माहौल में कुछ बदलाव भी महसूस हो सकता है और इसके साथ ही आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के बदलाव की उम्मीद है दोस्तों अगली राशि है सिंह राशि बता दें कि सिंह राशि वाले लोगों को भी शनिदेव काफ़ी प्रिय होती हैं आपको अपने जीवन में इस दौरान सच्चा प्यार मिलने की संभावना है घर में खुशी का माहौल बना रहेगा कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए जिससे सभी बिगड़े काम आपके बनते नजर आएंगे पुराने से पुरानी सभी बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा शनिदेव की विशेष कृपा से नौकरी पेशा वाले लोगों को धन का अधिक लाभ होगा धन से जुड़ी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि बता दें कि वृषभ राशि के लोगों के लिए ये समय बेहद शुभ है नया काम आपको काफी तरक्की दे सकता है आपके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा बरस रही है शनिदेव जी की कृपा से आपको धन की कमी नहीं होगी आपको हेल्थ की भी कोई समस्या नहीं होगी कुल मिलाकर कहें तो आपकी लाइफ एकदम मस्त होने वाली है शनिदेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा ऐसे में आपको शनिदेव जी की भक्ति पूरे श्रद्धा के साथ करनी चाहिए दोस्तों अगली राशि है वृश्चिक राशि बता दें कि बिजनेस पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम करती हैं तो उसमें आपको काफी फायदा होगा हालांकि किसी और के साथ अपने वित्तीय संसाधनों को जोड़ने से पहले आपको काफी होमवर्क करना चाहिए तभी आप उस कार्य में सफलता की उम्मीद कर सकती हैं बता दें कि यदि आप भगवान शनिदेव जी की पूजा करना शुरू कर दें तो आप लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे और कोई भी कार्य करने से पहले आप शनिदेव जी की पूजा अवश्य करें जिससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा परिवार में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों से आने वाले समय में छुटकारा आपको मिलने वाला है घर में सबसे ज़्यादा लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा अब आपकी शनि की साढ़े साथी भी खत्म हो चुकी है इसी वजह से आपका अब आने वाला समय बेहद ही शुभ और फलदायी रहने वाला है दोस्तों अगली राशि है कुंभ राशि बता दें कि आने वाले समय में आप काफ़ी आशावादी रहेंगे और आप खुद के दम पर और विश्वास के कारण आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि, कि किसी भी काम में हाथ डालने से पहले उसके लिए पर्याप्त तैयारी अवश्य कर लें लोग आपके काम से खुश होंगे और आपकी सलाह की प्रशंसा होगी आपको इस दौरान सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा गाड़ी या घर लेने का कोई प्रयास कर रही हैं तो आपका वह प्रयास सफल होने की संभावना पाई जाती है यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनीतिक लाभ मिलने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं बाहर की यात्रा और दांपत्य जीवन बेहतर होने की संभावना भी बन रही है यदि आप बाहर की यात्रा का विचार बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो वह सफल हो सकता है जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बन रही है परंतु लेकिन इसी के साथ आप दोनों के वैचारिक मतभेद होने की भी संभावना उत्पन्न हो सकती है जिसके कारण एक दूसरे से तनाव भी हो सकता है आपसी कहा सुनी होने के कारण विवाद बढ़ भी सकता है इसलिए मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास आप करें यही आपके लिए लाभदायक रहेगा जितना हो सके अपनी वाणी पर संयम रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें व्यर्थ की चिंताओं और तनाव के कारण आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है आपको मेडिटेशन से लाभ होगा दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनि देव अवश्य लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दें साथ ही साथ शनि देव की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें